आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर 2024 को मनाई जा रही है और कार्तिक पूर्णिमा पर किस तरह की बद इंतजाम हैं ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। सिवनी के ऐतिहासिक मठ तालाब में गंदगी पसरी हुई आपको दिखाई दे रही होगी। नगरपालिका परिषद को इस गंदगी से कोई लेना देना प्रतीत नहीं होता है। देख सकते हैं यहाँ पर कैसे सणांध मारते पानी में श्रद्धालुओं के द्वारा दीपदान किया गया होगा, ये समझा जा सकता है। ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये नज़ारा कार्तिक पूर्णिमा का एक दिन पहले बृहस्पतिवार 14 नवंबर 2024 की शाम का ये नज़ारा हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर लोग आ रहे हैं और किस कदर यहाँ गंदगी के बीच दीपदान यहाँ पर चल रहा है। देखा जाए तो नगरपालिका परिषद को जितने भी शहर के जल स्रोत हैं उन जल स्रोतों की उन्हें सुध लेनी चाहिए थी, पर विडंबना ही कही जाएगी कि कांग्रेस शासित नगरपालिका परिषद को इस बात से कोई सरोकार नहीं है, जबकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सिवनी चूंकि जिला मुख्यालय का मामला है, सिवनी के विधायक दिनेश राय भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। बालाघाट संसदीय क्षेत्र की सांसद भारती पारदी भी भारतीय जनता पार्टी की है और इस पूरे नज़ारे को प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता शायद नहीं होती है। जब कभी इस तरीके के कोई तीज त्यौहार आते हैं तो प्रशासन अपनी पीठ थपथपा लेता है, पर वस्तु स्थिति क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, इसे देखने सुनने की शायद फुर्सत प्रशासन को नहीं होती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं किस कदर गंदगी यहाँ फैली हुई दिखाई दे रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। सिवनी का ऐतिहासिक ऐतिहासिक मठ तालाब का ये नज़ारा हम दिखा रहे हैं आपको। दलसागर नहीं, मठ तालाब है ये, मठ तालाब का ये नज़ारा हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। मठ मंदिर ऐतिहासिक है, इस तरीके की विनती है, लोगों के द्वारा कहा जाता है, लोगों के द्वारा बताया जाता है कि इस मठ मंदिर में शिवलिंग की स्थापना आदि शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। और एक बात और बुजुर्ग बताते थे कि मठ मंदिर के शिवलिंग और काशी विश्वनाथ के शिवलिंग का आकार एक सा था और दोनों की स्थापना भी एक ही दिन आदि शंकराचार्य के द्वारा की गई थी और आदि शंकराचार्य द्वारा इस शिवलिंग का पूजन लगातार किया जाता रहा है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज भी इस शिवलिंग की उनके द्वारा पूजा की जाती रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। घाट पर गंदगी पसरी हुई दिखाई दे रही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता शायद नहीं है। इसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा नगरपालिका परिषद की इस अनदेखी के लिए कोई कार्रवाई की जाती है अथवा नहीं की जाती है, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ है। दलसागर तालाब जो शहर की शान है वो भी 2 सालों से पूरी तरह खाली था, गंदगी बजबजा रही थी और वर्तमान में उसमें पानी भर दिया गया। पानी कहाँ से आया उसके अंदर, ये भी शोध का विषय है। नगरपालिका परिषद क्या चाहती है, नगरपालिका परिषद क्या कर रही है, ये बात शायद लोगों के विचारों में है पर उन्हें इसका उत्तर नहीं मिल पा रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। कार्तिक पूर्णिमा के पूर्व पूजन अर्चन यहाँ पर आपको करते हुए दिख रहे होंगे श्रद्धालु। वास्तव में ये एक शोध का विषय माना जा सकता है कि सिवनी में इस तरीके की बातें होती हैं और जनप्रतिनिधि चाहे वो सत्ताधारी हों या विपक्ष के, वे सदैव खामोश ही प्रतीत होते हैं।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। देख सकते हैं आप किस तरह से पूजन अर्चन लोग कर रहे हैं और सुंदर सलोनी प्रतिमा यहाँ पर सामने आपको दिखाई दे रही होगी। मठ तालाब का ये नज़ारा रात का दिखा रहे हैं हम। मठ तालाब में रात में दीपदान 14, वैसे कार्तिक माह में दीपदान होता है और ये 14 नवंबर की रात का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, फिर आज होंगे। जय हिंद।